नवी मुंबई नेटवर्क। नवी मुंबई के लिए तुर्भे परिसर को 100% वैक्सीनेशन युक्त करने के मुख्य मकसद के साथ लॉन्च क्लब ऑफ तुर्भे के सहयोग और फुग्रो कंपनी के CSR फंड के माध्यम से अविनाश मेडकर फाउंडेशन द्वारा तुर्भे प्रभाग क्रमांक 68, 69, 70, 71 और 73 में रहने वाले लोगों के लिए 1000 फ्री कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया गया। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने में कारगर एकमात्र अस्त्र है कोरोना वैक्सीनेशन, और यही कारण है कि वैक्सीन से वंचित तुर्भे की जनता के लिए आयोजित इस मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का शुभारंभ पूर्व महापौर सागर नायक के हाथों दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान अविनाश मेडकर फाउंडेशन के फाउंडर और ज्येष्ठ समाज सेवक अमृत मेडकर, पूर्व नगर सेवक अमित मेडकर, समाज सेवक अंकुश मेडकर, समाज सेवक गणेश मेडकर, लॉयंस क्लब के AK शर्मा, लॉयंस क्लब ऑफ तुर्भे के अध्यक्ष वीरेंद्र रत्ने, लॉयंस क्लब सचिव धरेंद्र सिंह, लॉयंस क्लब जोन चेयरमैन विजेंद्र सिंह, डायरेक्टर अनिल गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट उमंग जी देसाई, डॉक्टर सारिका और अविनाश मेडकर फाउंडेशन के तमाम सदस्य मौजूद रहे। हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कल्चरल और महिला सशक्तिकरण की तरफ कार्यरत अविनाश मेडकर फाउंडेशन ने सामाजिक क्षेत्र में बेहद उल्लेखनीय कार्य कर बेसहारा और जरूरतमंदों की तरफ मदद की दिशा में हमेशा कदम आगे बढ़ाया है, और आज फिर कुशल डॉक्टरों की टीम की निगरानी में अविनाश मेडकर फाउंडेशन के माध्यम से मेडकर परिवार द्वारा तुर्भे परिसर की सभी जनता के लिए कोरोना से बचाव की संजीवनी अर्थात मुफ्त कोरोना वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। लगातार 5 दिनों तक चलने वाले इस कैंप का सागर नायक लायंस क्लब के पदाधिकारियों और मेडकर परिवार ने मुआयना कर वैक्सीनेशन लगाने वालों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे खुद और अपने परिवार के आरोग्य को कोरोना से सुरक्षित रखने की दिशा में काम करें और कोरोना वैक्सीनेशन लगवाएं। इस दौरान सागर नायक ने मेडकर परिवार द्वारा आयोजित इस अनोखे उपक्रम को जनता के लिए लाभदायक करार देते हुए कहा कि यह कोरोना की तीसरी लहर को रोकने में जरूर मददगार साबित होगा। अविनाश मेडकर फाउंडेशन आणि फुरग्रो लायन्स क्लब याद्वारे तुर्भा, हनुमान नगर, इंदिरा नगर या भागासाठी जवळजवळ 1000 उपभोक्त्यांना वैक्सीन त्या ठिकाणी भेटणार आहे। कोरोनाशी गेले 1.5 वर्षापासून लढत असताना वैक्सीन हा एकमेव हत्यार आपल्याकडे त्या ठिकाणी उपलब्ध आहे। त्या ठिकाणी या मास्क, सोशल डिस्टन्स याचे सुटका भेटण्यासाठी वैक्सीन घेणे आवश्यक आहे। सर्व प्रत्येक नागरिक वैक्सीनेट होणं आवश्यक आहे, आणि त्यासाठी गरीब जनता ज्यांना जिथे गव्हर्नमेंट याच्यामध्ये स्लॉट्स फुल होतात त्यामुळे वैक्सीन डिले होतो, जेवढा दिले होतो तेवढा ते कोरोनापासून बचाव करण्यासाठीपासून दूर राहतात। त्यामुळे अमितजी मेडकर साहेबांच्या माध्यमातून जवळजवळ 1000 वैक्सीन इथे मुफत देण्याचं काम सुरू केलेलं आहे, आणि याचा फायदा निश्चितच येथील नागरिकांना होणार आहे। आणि जेव्हा कधी सर्व जनता ही वैक्सीनेट होतील त्यानंतरच आपल्या या सगळ्या गोष्टीपासून सुटका होऊ शकतो आणि आपली जी थांबलेली गाडी आहे ती पुढे निघू शकते। त्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल अमितजी मेडकर साहेब, अमृतछेट मेडिकल साहब यांचे मी धन्यवाद व्यक्त करतो। वहीं तुर्भे परिसर में स्वार्थ की राजनीति करने वालों पर प्रहार करते हुए सागर नायक ने कहा कि तुर्भे की जनता भी होशियार है, क्योंकि उनको पता है कि कौन काम की राजनीति कर रहा है और कौन मनोरंजन कर रहा है। भागामध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकांना माहिती आहे कोण माझ्या सेवेसाठी उपलब्ध होता आणि कोण लांब जाऊन या मिळालेल्या लॉकडाऊनच्या वेळेचा त्यांच्या मनोरंजनासाठी करत होते, हे सर्व लोकांना माहिती आहे, जाणून आहे।
आणि कोण माझ्यासाठी गल्ल्या गुल्ल्यात फिरत होतं. त्यामुळे अमितजी मेडकर, अमृतसेट मेडकर, अंकुश मेडकर हे गल्ली गोला जाऊन लोकांचे संभ्रम झालेले आहेत. लोकांना माहिती आहे की कोरोना काळात जो आमच्याबरोबर राहिला त्याच्याबरोबर आम्ही राहू. भाई अमित मेडकर ने कोरोना वैक्सीन को सुरक्षा कवच करार देते हुए कहा कि तुर्भे का कोई भी गरीब नागरिक इस वैक्सीन से वंचित न रह जाए, उनके लिए यह उपक्रम आयोजित किया गया है. फुग्रो इंडिया इनके CRS फंड के माध्यम से और लायंस क्लब ऑफ तुर्भे और अविनाश मेडकर फाउंडेशन इनके सहयोग से हमारे पूरे तुर्भे विभाग में जिसमें हनुमान नगर, गणेश नगर, अम्बेडकर नगर, कौरी एरिया, गणपति पाड़ा, तुर्भा स्टोर, इन सारे प्रभाग के लोगों के लिए आज यहाँ पर फ्री में 1000 वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ पर रखा गया हुआ है. इसमें आज इस प्रोग्राम की शुरुआत आज यहाँ पर हो चुकी है और ये कैंप आने वाले 5 दिनों तक चलने वाला है जिसमें हर रोज 200 लोगों को वैक्सीन यहाँ पर आज दिया जाएगा. वैक्सीनेशन ही एक ऐसा पर्याय जिससे हम खुद को, अपने परिवार के लोगों को और सभी को, इससे हम सबको यहाँ पर बचा सकते. ये एक ही एक सुरक्षा कवच हमारे सामने आज अवेलेबल है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज ये इनिशिएटिव हमने आज हमारे प्रभाग में यहाँ पर लिया हुआ है जिससे हम 1000 लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेट यहाँ पर करा रहे. सरकार ने अपने माध्यम से जो कुछ पॉसिबल है वो किया ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को टाइम पे वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं होने की वजह से लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल जाना होता है. और आप सभी को पता है कि आज प्राइवेट हॉस्पिटलों में इस वैक्सीन की कीमत 700 से 800 रुपये है और 700-800 रुपये आज की तारीख में हमारे गरीब लोगों को इतना स्पेंड करना ये मुमकिन नहीं है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमने हमारे प्रभाग के सभी गरीब नागरिकों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए ये फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ पर आयोजन किया हुआ है. मैं सभी नागरिकों को यहाँ पर आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वैक्सीनेशन कैंप 5 दिन चलने वाला है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस सेंटर में पहुँचिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और आप खुद वैक्सीनेट हुई और अपने आजू बाजू के लोगों को भी अवेयर कीजिए वैक्सीनेट करने के लिए. कैंप को सक्सेसिव बनाने के लिए मैं लायंस क्लब ऑफ तुर्भे और अविनाश मेडकर फाउंडेशन के सभी मेंबर्स का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ. इस दौरान अमित मेडकर ने ये भी घोषणा की कि पहली डोज लेने वालों के लिए 3 महीने बाद दोबारा से वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया जाएगा. आज हम 1000 लोगों को वैक्सीनेशन तो दे रही है, इसके आगे जो सेकेंड डोज की जरूरत पड़ेगी आने वाले 3 महीने के बाद और 1000 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, ये बताने में मुझे आपको खुशी हो रही है. वही लायंस वीरेंद्र रत्ने ने कहा कि मेडकर परिवार और समाज सेवा का एक अनूठा रिश्ता रहा है. कोरोना काल में उनकी जनसेवा इसी बात की परिचायक है. ये जो तुर्भा में जो स्लम एरिया है यहाँ पे एक्चुअली गए साल में जो दिक्कतें थी वो मेडकर फैमिली ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ मैनेज किया, सभी को अनाज दान किया और उसके पीछे लायंस क्लब ऑफ तुर्भे हमेशा खड़ा रहा है क्योंकि वो भी हमारे एक लायंस क्लब के लायंस सदस्य है. और लोगों को केवल वैक्सीनेशन के माध्यम से नहीं, जो भी उनको सुविधा देना चाहिए वो देता है क्योंकि वो खुद लायन है और हमारे इस तुर्भा लायंस क्लब से जुड़े हुए हैं. तो उसके माध्यम से मैं अध्यक्ष इस नाते से सदा उनके पीछे खड़ा रहूँगा. हमारा तुर्भा लायंस क्लब सदा उनके, हमेशा उनके पीछे खड़ा रहेगा और उनको लाभ जो भी होगा हमसे, जो हम करते रहेंगे. वहीं इस वैक्सीनेशन का लाभ उठाने वाले नागरिकों ने मेडकर परिवार का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें अपना जन प्रतिनिधि करार दिया. आभार मानता हूँ हमारा आमच्या हास्य दिन तर आम्हाला भेटले नसते लस, तो आमचे मेडकर साहेब आहेत तर म्हणूनच आम्ही झोपडपट्टी थावावे. तर आम्हाली दुसरा पक्षी भी नग, आमचा मेडकर साहेबच पाहिजेत आम्हाला आमच्या झोपडपट्टी. आम्हाली मदत करते हमेशाला, हक्कला धावत आहे आम्ही, कधी बी गिजा दरवाजा खुला आहे मेडकर साहेबाचा. करोना काळात आम्हाला जेवण वगैरे देत होता, आम्हाला राशन वाटलं, भाजीपालेसुद्धा वाटलं आम्हाला, टमाटे वाटले, कांदे वाटले त्यांनी, तांदूळ वाटले, गहू, परत पीठ वाटलं, जेवण पण वाटलं त्यांना. आम्हाला काही कमी पडू दिलं नाही मेडकर साहेबानं. लय मोठा आधार मिळाला आमच्या इथं. आम्ही झोपडपट्टीत राहतो आणि चांगले आमच्यावर ध्यान ठेवतात, लक्ष ठेवतात आणि काही राशन पाणी हे ते आम्हाला देतात. भेटले तर आम्हाला नमस्कार हे करतात, चांगले साहेब. ये झोपडपट्टी लोग जो रहते हैं झोपडपट्टी में, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि जाके कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा दे के वैक्सीनेट करें.
और वैक्सीनेट नहीं होंगे तो आगे बीमारी रुकेगी नहीं। अम्बेडकर जी के माध्यम से ये जो काम हो रहा है, फ्री में वैक्सीन लग रहा है, बहुत अच्छा है। प्राइवेट हॉस्पिटल गए तो 700 से 800 रुपये एक लसची किमत आता सध्याला आहे। जर 200 गेल्या गेलं तर 1600-1700 रुपये मोजा लागतात। त्यावेळेला अतिशय केलेलं आहे, 1000 लसची मोफत त्याने दिलेली आहे। त्याच्यावर धन्यवाद म्हणतात, आभार आहे। काही जी समस्या, गटराची समस्या, पाण्याची समस्या हे ते मानतात, किंवा लाईटीची काही समस्या असेल ती मानतात समस्यामधून। काही बेर असतं, लोकांना काही लागली मदत ते त्यांच्याकडे ते अंबरस पटवतात, किंवा ते जे घरोघर जाऊन चौकशी करतात ते नाही गेले तर त्यांच्या माणूस पटवतात, किंवा त्यांचे इतर अजून इतर काय करतात ते पटवतात। दुसरीकडे लाईन लावावं लागायची तर आपल्याला त्यांच्यामुळे खूप मोफतमध्ये वॅक्सिन भेटायला लागली। 1000 एकदम खूपच अतिशय छान झालेलं आहे। पूर्ण लॉकडाऊनमध्ये राशन कामाला घर पोच झालेलं आहे, कसलीच तकलीफ आलेली नाही आम्हाला। आम्ही काही आमचं असला नाही ते म्हणला सांगतो, ते लगेच आमचं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतात। त्यांच्यामुळं आमचं एकदम एरिया सुंदर झालेलं आहे। आता कसलंच काय नाही, पाण्याची याची कसलीच म्हणजे तकलीफ नाही आम्हाला। पहिली तरी तकलीफ होती, लांब लांब जावं लागायचं, आता आमच्या घरोघरी नळ। ब्युरो रिपोर्ट, नवी बी नेटवर्क। डू यू अस्पायर टू अपग्रेड युअर लिव्हिंग विथ अरिहंत अद्विका, सेक्टर 9, वाशी? अपग्रेड टू आयकॉनिक रेसिडेंशियल टॉवर,